Welcome to Sports Cafe, a special morning show where we'll discuss the major sports stories which made headlines in the newspapers. साथ ही बात करेंगे कि किस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी से जिमिंग से आप अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और एक नज़र डालेंगे कि खेल की दुनिया में आज का दिन क्यों है इतना खास. साथ ही देखेंगे कि क्या क्या मुकाबले आज खास तौर पर होने वाले हैं खेल की दुनिया में. And to discuss more on this, we are joined by an expert in the studio, Mr. Hemant Rastogi. आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you and good morning to Gitasha. जी, so we have this and much more for you in the next half an hour. चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं खास हेडलाइंस पर. इंडिया सफर 5-run लॉस अगेंस्ट इंग्लैंड विन सीरीज बाय 2-1. क्रिकेट से जुड़ी है खबर. और बैडमिंटन में साइना नेहवाल बैक टू हर बेस्ट, विंस मलेशिया मास्टर्स टाइटल. वहीं टेनिस में सानिया मिर्जा स्ट्राइक ओवर क्रैश आउट इन थर्ड राउंड, पेस हिंगिस एडवांस. और हॉकी से जुड़ी खबर, कलिंगर राइड ऑन गुरजिंदर टू क्लेम ओपनिंग विन ओवर दिल्ली बाय राइडर्स. और खास तौर पर अगर बात करें तो ये तमाम अहम खबरें थी जिन पर अभी हमने नजर डाली. और अब बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी खबर की ओर. और हेडलाइंस क्या क्या कहती है तमाम न्यूज़पेपर्स में. इंडिया लूज अ थ्रिलर, मेल टुडे का ये कहना है. स्टोक शाइन. वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर पब्लिश की है, इंडिया फेल इन स्वीपस्टेक्स. और हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, केदार हीरो, इंडिया डिनाइड क्लीन स्वीप. केदार की बहुत अच्छी पारी के बावजूद इंडिया नहीं जीत पाई. और द इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत ही रोचक टाइटल दिया है, अ सोविनियर विन फॉर टूरिस्ट. एक लंबे समय के बाद टेस्ट के बाद वनडे की बात की उन्होंने. और दैनिक जागरण ने लिखा है, केदार भी नहीं कर पाए भारत का उद्धार. केदार ने जिस तरह से बड़ी अच्छी पारी खेली. और हिंदुस्तान ने भी लिखा है, केदार कोलकाता में क्लीन स्वीप नहीं करा सके. और ये खबर तमाम न्यूज़पेपर्स ने प्रमुखता के साथ छापी है. वहीं अमर उजाला लिखता है, अंतिम ओवर में हारी टीम इंडिया. जिस तरह से कोशिश की जा रही थी कि शायद क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी इंडिया, लेकिन वो नहीं हो पाया. और दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को भारतीय धरती पर पहली हार. तो अगर हम नजर डालें इन तमाम हेडलाइंस पे तो बड़ा ही रोचक रहा आखिरी ओवर में, जिस तरह से सबको लग रहा था कि नहीं इंडिया जीत जाएगी. तो इंग्लैंड की अगर बात करें तो काफी अच्छा दमखम दिखाया वहां के खिलाड़ियों ने. और कितनी अच्छी एक हेडलाइन आई है, सोविनियर विन फॉर द टूरिस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, मजाक भी उड़ाया गया, सरकास्टिक कमेंट भी है, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा लगा कि शायद ये जीत हमारे पास हो सकती थी. नहीं देखिए, ये मुकाबला तो बहुत बेहतरीन था ही. जैसे पहले दो मुकाबले खेले गए थे, रोमांचक था. यहाँ पर कलकत्ता की पिच थी जी. यहाँ पर ये जो मुकाबला खेला गया है, ये पिछले दो मैचेस जिन स्टेडियम्स में खेले गए थे वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट मिजाज था पिच का. हालांकि बड़ा स्कोर बना, 321 रन का स्कोर किया इंग्लैंड ने और 322 का लक्ष्य दिया भारत को. लेकिन जो कि बड़ा स्कोर है इंग्लैंड के लिए भी पहली बार इडन गार्डन में. बिल्कुल एकदम, इस श्रृंखला में तो तीनों ही मैचों में 300 का आंकड़ा पार हुआ. लेकिन जो पिच में थोड़ा सा उछाल था और उससे ऑल बिकॉज़ ऑफ वेदर. हेमंत जी बिल्कुल, वेदर नहीं क्योंकि यहाँ पर नई पिच लेड हुई है. अभी जब पिछली बार टेस्ट मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ तो सौरव गांगुली जो सीएबी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नई पिच बिछवाई है वहाँ पर ईडन गार्डन में. तो आपने वहाँ पर टेस्ट मैच में भी देखा होगा कि काफ़ी उछाल मिला था और भुवनेश्वर कुमार ने 5 विकेट लेकर के न्यूजीलैंड को हराया था. तो ये पिच का आपने देखा होगा कल किस तरीके से शुरुआत में हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को स्विंग भी मिल रहा था, हाल भी मिल रहा था. तो ये जो 321 रन जब इंग्लैंड ने बनाए, मुझे उसी वक्त लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये स्कोर बड़ा रहेगा. फिर रही बात ओस की, ओस का भी एक फैक्टर था कि विराट कोहली ने टॉस जीत करके उनको इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए उतारा. लेकिन जो ईडन गार्डन अगर आपने देखा होगा तो एक किनारा, ऐतिहासिक मैदान. बिल्कुल ऐतिहासिक मैदान तो है ही है. वहां का जो क्राउड आता है वो बहुत अच्छा क्राउड होता है, क्रिकेट की समझ क्रिकेट वाला क्राउड होता है. तो जो एक गंगा नदी है वहाँ पे हुगली, हुगली की जो एक बयार बहती है, हवा आती है स्टेडियम को शाम को, तो वो तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है. तो
शाम फायदा उठाया उन्होंने वहां वो पर। इंग्लैंड ने शुरुआत में ये फायदा उठाया जो भारत के पहले 5 विकेट गिर गए, कुछ नहीं कर पाए हम लोग, उसका तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड के अच्छा फायदा उठाया। और बाद में जब ओस गिरी तो हार्दिक पांड्या और केदार जाधव इस तरीके से जम गए कि लगा कि भारत को जीत की तरफ निकाल ले जाएंगे। और क्या रोमांचक मुकाबला था कि 16 रन चाहिए थे भारत को जीत के लिए और केदार जाधव ने पहले दो गेंदों पर ही 10 रन चौके छक्के के साथ 90 रन बनाए 75 गेंदों पर। हाँ, बहुत बढ़िया इनिंग खेली। मैं आपको बताऊं, अगर ये केदार जाधव यहाँ से भारत को ये मुकाबला अगर जिता ले जाते तो जो इन्होंने पुणे में अपने घरेलू मैदान पे शतकीय पारी खेली थी वहां भी जिता करके जीत की दहलीज तक ले गए थे, तो ये पारी बहुत बड़ी पारी और मैन ऑफ द सीरीज रहे। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा मैच हम कहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी इंडिया के लिए अब इस तरह से देखा जाना चाहिए जैसे कि विराट ने भी कहा। देखिए, उन्होंने अपनी जगह तो पक्की कर ली है इस पारी को खेल करके केदार जाधव में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छे स्ट्रोक्स रेंज दिखाई है उन्होंने, बिल्कुल विराट की पसंद बन चुके हैं वो, बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं बैडमिंटन से जुड़ी खबर की ओर कि किस तरह से साइना नेहवाल मलेशिया मास्टर्स ग्रैंड प्री जीत गई हैं। एक नजर डालते हैं तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस पर। मेल टुडे ने लिखा है, बैक टू हर बेस्ट, फिट अगेन साइना क्लेम्स मलेशिया मास्टर्स टाइटल। वही टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये न्यूज पब्लिश की है, साइना ओवरकम्स थाई टीनेजर फॉर टाइटल। और द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। बहुत ही अच्छी अच्छी हेडलाइंस साइना के लिए लिखी गई हैं। और दैनिक जागरण ने लिखा है, साइना बनी मलेशिया की मल्लिका। एक लंबे समय के बाद 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो अब ये खिताब उनके हाथ लगा। हिंदुस्तान ने खबर छापी है, साइना ने चोट को हरा, 7 महीने बाद खिताब पर किया कब्जा। और अमर उजाला ने लिखा है, मलेशिया मास्टर्स में साइना नेहवाल चैंपियन। वाकई बहुत ही अच्छी खबर। और दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, साइना ने 7 महीने बाद जीता है ये खिताब। तो 10वें नंबर की खिलाड़ी और जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, अगर खास तौर पे कहें 67 नंबर की खिलाड़ी थी, थोड़ा दबाव में दिख रही थी। मुकाबला एक बार बराबरी पर था लेकिन बहुत अच्छा फाइट बैक किया, बहुत ही अच्छा जज्बा दिखाया और खिताब अपने नाम किया साइना ने। ये बहुत बड़ी जीत है साइना नेहवाल के लिए। उन्होंने कई सुपर सीरीज खिताब जीते हैं, ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो खिताबी जीत है उनको बहुत सुकून दे रही होगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरीके से जो अप हुआ होगा, जब उन्होंने ये सोच लिया ओलंपिक के बाद जब उनकी सर्जरी हुई कि वो घुटने की सर्जरी हुई कि वो शायद दोबारा बैडमिंटन कोर्ट पे ना उतर पाए, और उसके बाद आकर के आप अगर ग्रैंड प्री गोल्ड जैसा टूर्नामेंट जीतते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए कितनी बड़ी चीज है, ये सिर्फ साइना नेहवाल ही इस वक्त समझ रही होंगी। बिल्कुल, जैसे बहुत बड़ी खिताबी जीत। स्पेशली अपने फिजियो जो अरविंद हैं और कोच हैं विमल कुमार, उनको धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा ये जीत उनको समर्पित है क्योंकि उन्होंने बहुत मोराल बूस्ट किया उनका कि नहीं आप जाओ पार्टिसिपेट करो एंड यू आर कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। बिल्कुल, पूरी टीम को समर्पित होना ही चाहिए क्योंकि जिस मेंटल शेप में साइना नेहवाल थी उसको वहां से निकालने का काम तो उन्होंने ही किया है, विमल कुमार ने किया, अरविंद ने किया है, प्रकाश पादुकोण ने किया है। तो ये जो जीत आई है साइना नेहवाल की, ये आगे उनके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद, एक उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया। विमल कुमार ने कहा भी जैसा कि ये जीत बहुत जरूरी थी और साइना के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। और ये मतलब अब आपने देखा होगा यहाँ पे टॉप सीड थी वो और पूरे टूर्नामेंट में एक गेम भी नहीं हारी वो, और फाइनल मैच लेकिन मुझे लग रहा था कि काफी टफ हुआ, वैसा हुआ भी फाइनल मैच। वो चोचू वांग जो नई खिलाड़ी हैं 19 साल की हैं। एक चीज और, यहाँ पर स्टार खिलाड़ी नहीं थे तो शायद यहाँ मौका ज्यादा बढ़ गया था साइना नेहवाल के लिए।
देखिए सारे मौका टॉप तो खिलाड़ी बाहर थे। मौका तो था ही, टॉप सीट थी वो, यहाँ पे ग्रांड प्री गोल्ड थे, ग्रांड प्री गोल्ड टूर्नामेंट था, सुपर सीरीज टूर्नामेंट नहीं था ये। तो जो टॉप खिलाड़ी है तो अच्छे अंक जुटाने के लिए सुपर सीरीज को ही तरजीह देते हैं, लेकिन साइना को यहाँ इसलिए खेलना जरूरी था, वो इसलिए इस टूर्नामेंट में खेलने हैं कि अगर एक खिताब उनकी झोली में आ जाता है तो वो अपने आप को आजमाना चाह रही होंगी कि मैं यहाँ पे अच्छा कर सकती हूँ, मेरा मूवमेंट, कोर्ट का मूवमेंट, कोर्ट कवरेज वगैरह सब ठीक हो रहा है। आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम प्रीमियर बैडमिंटन लीग की बात करें तो वहाँ पर वो कैरोलिन मारिन से हारी और फिर उसके बाद ही अपनी हमवतन सिंधु से हारी, तो यहाँ पर ये जीत की बहुत ज्यादा दरकार थी, बहुत ज्यादा दरकार थी। मारिन को तो उन्होंने पीबीएल में हराया था, सिंधु से जरूर हार गई थी, तो इसलिए ये जो जीत आई है इसलिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है, अब उनको इससे ये विश्वास आ गया होगा कि मैं अब सर्किट में अच्छा कर सकती हूँ, और ये धीरे धीरे ही होगा। विमल ने भी बोला है कि मार्च से उनको सुपर सीरीज खेलना, नेक्स्ट सीजन शुरू हो रहा है, सुपर सीरीज के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने हैं, तो एक के बाद एक टूर्नामेंट्स होने हैं, तभी अगर सुपर सीरीज में वो अच्छा कर पाएंगी तब वो एक बार फिर वापस पहले टॉप फाइव में या रैंकिंग में भी इजाफा होगा, और उससे उनको काफी मतलब। लेकिन मैं ये मानता हूँ साइना के लिए बहुत जीत सुकून देने वाली है, और ये बहुत अच्छी खबर है भारतीय बैडमिंटन के लिए, बहुत अच्छी खबर है कि साइना नेहवाल ने कम से कम एक खिताब जीता 7 महीने बाद। ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने पहले जीता था इससे पहले, तो अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं साइना को, आगे भी अच्छा इसी तरीके से करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज फ्रॉम टेनिस एंड लेट्स टेक अ लुक एट द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। मेल टुडे ने लिखा है सानिया मिर्जा एंड चेक बारबोरा स्ट्राइकोवा लॉस टू जापानीज होजुमी एंड मेकाटो इन वुमेन्स डबल्स राउंड 3। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो सेइंग सानिया लूजेस पेस विंस। और एक अच्छी खबर यहां पर ये कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है पेस ऑफ टू विनिंग स्टार्ट सानिया लूजेस, पेस से उम्मीदें अभी भी बरकरार। और दैनिक जागरण लिखता है लिएंडर पेस मिक्स्ड में जीते सानिया डबल्स में हारी। और दैनिक भास्कर ने लिखा है महिला डबल्स में हारी सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी। तो यहां पर हम सानिया की अगर बात करें तो अभी बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया उन्होंने पिछले साल जब मार्टिना के साथ खेली और एक तरह से जोड़ी को नाम मिला सेंटीना, लेकिन अभी इससे पहला मुकाबला जो हमने देखा उसमें वो जीती, लेकिन यहाँ पर अगर डगमगाई तो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी जो रैंकिंग है वो अभी भी अच्छी है। नहीं, रैंकिंग का तो यहाँ सवाल, वर्ल्ड नंबर 2 तो है ही है वो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उनको हार मिली है डबल्स में, स्ट्राइकोवा दरअसल सिंगल्स में भी खेल रही हैं और वो सिंगल्स में बहुत अच्छा कर रही हैं, वो फोर्थ राउंड में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं और वो वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो जब खिलाड़ी सिंगल्स और डबल्स दोनों एक साथ खेलता है तो कहीं ना कहीं, नहीं एक्सपीरियंस नहीं, कहीं ना कहीं उसकी वरीयता में उसके मतलब वो प्रेफरेंस अपने सिंगल्स को, जहाँ ये मेरा मानना है कि स्ट्राइकोवा का ज़्यादा ध्यान सिंगल्स पे रहा होगा, हो सकता उतना फोकस या उतनी जो थकावट आ जाती है जब आप दोनों खेलते हो सिंगल्स और डबल्स एक साथ, मुश्किल होता है खेलना, लेकिन ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उसका कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ डिसएडवांटेज हुआ होगा सानिया को। बड़ी ये जापानीज जोड़ी कोई इतनी कोई नामी जोड़ी नहीं थी और इस तरीके से हार जाएंगे, अनसीडेड से हार जाएंगे इतनी आसानी के साथ, तो ऐसा कम ही सोचने में आया था कि इस तरीके का परिणाम आएगा। और वहीं अगर पेस की बात करें तो वहां पर पेस ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया और लग रहा है कोई एज फैक्टर मेरे लिए मायने नहीं रखता, हर बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं और जब भी संन्यास की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं अभी तो मुझे बहुत कुछ खेलना है। हाँ, शायद ये बातें उनमें जज्बा भर देती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी इस बार भी वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे क्योंकि अभी उनके संन्यास की बातें उठी हैं और ये भी खबरें आई हैं कि आइटा ने भी उनको बोला है कि भाई अब आप डेविस कप से अपनी सेवाएं आपकी नहीं चाहिए तो आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। तो मुझे लगता है कि लिएंडर पेस अब अपने आप को साबित करना चाहते हैं, डबल्स की उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है, डबल्स में वो हार भी चुके हैं, अब उनके पास एक यही रास्ता बचता है, मार्टिना हिंगिस जैसी जोड़ीदार हैं उनके साथ और वो
कई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट उनके साथ जीत भी चुके हैं, तो यहाँ पर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना होगा और अपने लिए करके दिखाना होगा कि अगर वो सर्किट में जमे रहना चाहते हैं तो ये यहाँ अगर वो खिताब जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पर उनकी, अब आपने देखा होगा कि उनकी जो डबल्स रैंकिंग गिरी है, पुरुषों के डबल्स में रैंकिंग जो गिरी है, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको वाइल्ड कार्ड दिया गया, वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिली है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। बिल्कुल। और यहाँ अगर अच्छा नहीं करते हैं तो आगे टूर्नामेंट में कितने वाइल्ड कार्ड्स ले पाएंगे वो, ये फिर तो उन्हें वाकई में अपने भविष्य को सोचने के बारे में मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए ये टूर्नामेंट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें हर हाल में यहाँ खिताबी जीत दर्ज करके दिखानी होगी, तभी वो अपना एक जो वर्चस्व था उसको बना पाएंगे और अपनी होड़ की लड़ाई लड़ पाएंगे कि हाँ मुझे सर्किट में बने रहना है। बाकी और बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। और नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़ी ही कुछ खबरों पर। हेडलाइंस पर अगर हम नजर डालें तो मेल टुडे ने लिखा है फेडरर कोर्स टू क्वार्टर्स, और फेडरर के लिए राहें आसान हो गई हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है टॉप गन्स हिट रॉक बॉटम, रॉजर फाइंड्स द के टू रीच क्वार्टर्स। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश किया है टॉप सीड्स बाय द डस्ट ऑन द डे ऑफ अंडरडॉग, फेडरर शोज आयरन मैन क्वालिटीज टू ओवरकम निशिकोरी इन क्वार्टर्स। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है द लॉस्ट वंस, और फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 1067 टू बीटिंग वर्ल्ड नंबर 1। दैनिक जागरण ने लिखा है मरे नहीं तोड़ पाए मेलबर्न का तिलिस्म, कोको ने किया करबर का शिकार, ये महिला सिंगल से जुड़ी खबर है। और हिंदुस्तान ने लिखा है नंबर 1 मरे करबर बाहर और फेडरर का फर्राटा जारी। अमर उजाला भी लिखते हैं टॉप सीड एंडी मरे और करबर बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें फेडरर पहुंचे हैं और इसको सभी अखबारों ने प्रमुखता से खबर दी। दैनिक भास्कर ने लिखा एंडी मरे और करबर हारे, 7 साल में पहली बार दोनों टॉप सीड एक ही राउंड में बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला दिन बड़ा ही बेहद कहेंगे खराब रहा, रोमांचक रहा इन टॉप सीड खिलाड़ियों के लिए। देखिए अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार बड़े खिलाड़ियों के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है, जैसे कहते हैं नोवाक जोकोविक पहले हारे और अब दोनों ही टॉप सीड एक ही दिन मरे हारे। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोजर फेडरर का कारमा जारी है और क्या खेल दिखाया है उन्होंने कल निशिकोरी के खिलाफ। जब मैच शुरू हुआ तो बड़ी धीमी शुरुआत की फेडरर ने, 4-0 से पिछड़ गए, 5-2 की बढ़त पर थे पहले सेट में निशिकोरी, और उसके बाद क्या जबरदस्त तरीके से वापसी की है उन्होंने। और वहां से हालांकि वो पहला सेट 7-6 से हार गए, लेकिन जो 5-5 की बराबरी की और टाई ब्रेकर तक को जो सेट पे ले गए उससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो रिदम आया, जो रिदम उनका जो आया वो उन्होंने अगले 2 सेट लगातार जीत करके दिखाया। और कई निशिकोरी कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, 5 सेटों के मुकाबलों को जीतने में उन्हें महारत हासिल है, उन्हें मैराथन मैन कहते हैं। टॉप 5 में बने हुए हैं, बिल्कुल टॉप 5 में बने हुए हैं। और मतलब एक एशियाई खिलाड़ी होने के नाते जापान से हैं और इस तरीके की टेनिस खेलते हैं, एशिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोई एशियन कंट्री का खिलाड़ी कम से कम टॉप 5 में है, ग्रैंड स्लैम के भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। मुझे शुरू से उम्मीद थी कि ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने जा रहा है, यही वजह थी कि मैं भी कल टीवी सेट से चिपक करके बैठ गया था। क्या जबरदस्त मुकाबला था। लेकिन और फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब सिर्फ पावर गेम ही नहीं दिखाते हैं फेडरर, जो पूरा एक कलात्मकता, सर्व एंड वॉली और सिंगल हैंडेड बैकहैंड उनका, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उनसे अच्छा सिंगल हैंड बैकहैंड कोई मार सकता है। कि हम भी कभी बादशाह थे, बादशाह दिखाई उन्होंने दिखा, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि इस बार वो बादशाह कायम करके रहेंगे क्योंकि मिशा ज़ेवरेव से उनका क्वार्टर फाइनल में मुकाबला है और मिशा ज़ेवरेव भी सर्व एंड वॉली गेम खेलते हैं, एंडी मरे को हरा करके आए हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। तो अच्छा रोमांचक होने वाले हैं सारे मुकाबले आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के। अब एक नजर डालते हैं हॉकी इंडिया लीग से जुड़ी खबरों पर, क्या क्या न्यूज़पेपर्स ने क्या क्या हेडलाइंस दिए। मेल टुडे ने लिखा है लांसर जूम अहेड, गुरजिंदर फाइंड्स द नेट टू हेल्प दिस साइड बीट द वेव राइडर्स।
वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है गुरजिंदर हेल्प्स लांसर्स फिफ्ट वेट राइडर्स। और गुरजिंदर के इस गोल की बदौलत यहां पर कलिंगा को जीत मिली और गुरजिंदर स्ट्राइक हेल्प्स लांसर्स विन। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये खबर पब्लिश की है। 47वें मिनट में गोल किया गया था आपको बता दें। और द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है गुरजिंदर सर्व्स अ टाइमली रिमाइंडर। और वहीं अगर बात करें हम दिल्ली की तो अब दैनिक जागरण ने लिखा है कलिंगा ने दिल्ली को हराया। गुरजिंदर सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए कलिंगा लांसर्स को रविवार को जीत दिलाई। और हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है हॉकी में कलिंगा ने दिल्ली को हराया। पिछले साल की रनर अप टीम कलिंगा इस बार भी कुछ खास कर गुजरने को। और अमर उजाला ने लिखा है कलिंगा लांसर्स की जीत में चमके गुरजिंदर सिंह, एकमात्र गोल से टीम को दिलाई जीत। अगर दिल्ली की बात करें तो हमारे स्टार कहलाने वाले रुपिंदर पाल सिंह कुछ खास नहीं कर पाए, वो पेनल्टी को भी नहीं तब्दील कर पाए। और किस तरह से देखें जो 47वें मिनट में गोल किया गया कलिंगा को जीत मिली। बिल्कुल, देखिए ये अगर रुपिंदर पाल सिंह जैसा पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट आपके पास है और आपको 6-6 पेनल्टी कॉर्नर मिलने और फिर भी आप मुकाबला हार जाओ तो ये बात पचाने वाली नहीं लगती, क्योंकि रुपिंदर हमारी भारतीय टीम के बहुत ही एस्टैब्लिश्ड ड्रैग फ्लिकर हैं और की उनकी वर्ल्ड में गिनती होती है। और गुरजिंदर सिंह एक समय बड़ी तेजी से उभर करके सामने आए थे भारतीय टीम में, उन्होंने रुपिंदर के साथ ही दरवाजा खटखटाया था। रुपिंदर पहले आ गए थे टीम में, बाद में वो आए थे जूनियर टीम से, उनको भी बेहद प्रतिभाशाली माना जा रहा था और पिछले HIL के संस्करण में उन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो वो उभरते हुए ड्रैग फ्लिकर हैं लेकिन बीच में एकदम से गायब हो गए थे, तो उन्हें भारतीय टीम से अपना जगह भी खोनी पड़ी। तो उन्होंने गोल किया है और गुरजिंदर को इनाम भी मिला 50,000 रुपए का और वो जायज था उन्हें मिलना, बिल्कुल जिस हिसाब से उन्होंने जीत दिलाई। भाई बिल्कुल जायज है, अगर आप पूरे मैच का एकमात्र गोल कर रहे हो और अपनी टीम को वो भी होम क्राउड के बीच जीत दिला रहे हो तो अच्छी बात है, उन्हें मिलना ही चाहिए था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड। बिल्कुल। और अब एक नजर डालते हैं कि जिमिंग, खास तौर पर अगर हम किसी फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो क्यों जरूरी होती है और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। हमारी को होस्ट पूनम बता रही हैं कि किस तरह से एक अच्छी जिमिंग हमारे लिए जरूरी है। फिटनेस की अगर बात करें तो फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी वेट को कम करना ही नहीं होता, फिटनेस का मतलब होता है जो आपका बॉडी वेट है वो आपकी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग ही रहे। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से संदीप जी से। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा पूनम जी, इसे बोला जाता है लेट पुल डाउन। आपने देखा होगा आजकल जिमों में बहुत चल रहा है, जिमों में क्या, जिमों के बाहर भी बहुत चल रहा है कि हाँ सबको वी शेप चाहिए। तो वी शेप जो है घर पे बैठने से या जिम जाने से नहीं आ जाएगा, उसके लिए वर्कआउट करना होगा, आपको बैक की एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि ये इसी एक्सरसाइज को मैं ज़्यादा करवाना चाहूँगा आपको। अगर अगर वी शेप में आप देख भी रही होंगी कि इसे करने से वी शेप कैसे नजर आ रही है ना, तो ये तो मस्ट एक्सरसाइज है आपको अगर वी शेप में रखना है। पर ये हैंड जैसे हम देख सकते हैं कि ये हाथों से की जा रही है, जी जी जी, लेकिन इससे हमारे जो बैक पे है कैसे इफेक्ट पड़ रहा है ये थोड़ा सा बताएं। क्या होता है कि ये हमारा जो फोरआर्म मसल है, फ्री है आर्म्स मसल है, इसी के बाद ये शोल्डर के बाद ये कनेक्ट है हमारा बैक मसल। तो जब हम इसे नीचे लेके आते हैं, होल्ड करते हैं, तो वहीं पे इफेक्ट आता है, यानी कॉन्सेंट्रेट होता है वहाँ पे और फिर वो चलना चालू हो जाता है। ओके, तो संदीप जी ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये हम देख सकते हैं कि हाथ से की जा रही है, तो इसका बैक पे भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर बैक पे ही फर्क पड़ रहा है। उसको होल्ड करने का भी एक टेक्निक है कि हमें होल्ड करना है। जी जी, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको उसे होल्ड करना होगा, नहीं तो फिर आया आराम और गया आराम करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले जैसे अब ये ले जा रहे हैं हमारे मिस्टर अजय, अब इसे क्या है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उसको नीचे लाके एक या दो सेकंड होल्ड किया ताकि ताकि यहाँ पे इफेक्ट आए आपके, और धीरे से छोड़ा। और ब्रीथिंग का भी वही रोल है, जब नीचे लेके आते हैं तो आपको ब्रेथ आउट करना है, और जब ऊपर लेके जाते हैं तो आपको छोड़ना है। गुड, तो इसमें इस तरीके से चलते रहिए। तो सही तरीके से की गई ही एक्सरसाइज ही हमें फायदा पहुंचाएगी और वो वी शेप बॉडी जो हमें हमेशा से चाहिए थी, हमारे दर्शकों को चाहिए थी, वो जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो खाना खा के जाएं या इसके लिए कुछ हमें एनर्जी की कुछ जैसे कहते हैं बिस्किट्स होते हैं या प्रोटीन शेक होते हैं, वो हम लोग इससे पहले लें इससे बाद? जैसे हमारे बात हमारी चली शुरू में, स्टार्टिंग में ही हमारी बात चली थी वेट गेन की, ठीक है ना, तो हमें अगर वेट गेन करना है तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें कुछ भी
कार्बो क्या है? कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए फ्यूल है जी। अगर आपकी बॉडी में फ्यूल होगा तो आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, अपना जिम में अच्छा बेस्ट दे सकते हो। और अगर नहीं लेगे तो आपको पता फिर गाड़ी कहीं ना कहीं झटके लेगी, बीच में रिजर्व भी लगेगी और बंद हो जाएगी। वही हमारा बॉडी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनटेक करना है, जिससे कि आपकी एनर्जी रहे और बस बूस्ट बूस्ट करते रहे, पम्प्ड अप आप रहे पूरे टाइम, आप पूरे टाइम वो एनर्जी फील करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि इस एक्सरसाइज को जैसे हम कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स के साथ कर रहे हैं जी जी, लेकिन अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट्स ये सुविधाएं नहीं है जी जी, तो हम इस एक्सरसाइज को कैसे घर पे कर पाएंगे? पूनम जी, देखा होगा अपने ज्यादातर घरों में, मिडिल क्लास घरों में देखा होगा एक टांड होती है जी, तो उस पे कर सकते हैं हम। जब पहले जिम नहीं हुआ करते तो लोग बाग इसी तरह वर्कआउट किया करते थे, है ना? तो जो जो लोग जिम नहीं जा सकते अपना घर में एक रॉड लगा के अप एंड डाउन कर सकते हैं जी। अगर वो ओवरवेट है तो अपना किसी ट्रेनिंग पार्टनर को पकड़ें और लिफ्ट करवाएं हल्का हल्का। थैंक यू संदीप जी। और हमारे हमारी शो की अच्छी बात यही है कि हम अपने दर्शकों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम जानते हैं कि हर किसी के पास ये सुविधाएं नहीं होती, तो आप घर में कैसे कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं। संदीप जी, इसके कितने रेपिटेशन हमें करने होंगे? जी बिल्कुल पूनम जी, इसका भी सेम ही फॉर्मेट है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपने 3 से 4 सेट होंगे और 6 से 8 रेपिटेशन रखने होंगे। और अगर आपको शेप में रखना है, टोन रखना है, तो 10 से 12 या 15। और मैंने जैसे कि बताया था आपको पहले भी कि बैक मसल जो है हमारा लार्ज मसल है, अगर इसको आप रेपिटेशन ज़्यादा भी देते हैं तो नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होना है। तो क्या बैक में, जैसे बैक का ये एक्सरसाइज हमारी चल रही है, तो बैक में कोई नुकसान ना पहुंचे उसके लिए क्या हम कोई बेल्ट वगैरह भी यूज करते हैं? बेल्ट की सपोर्ट तो हमें जो बैंड होने वाली एक्सरसाइज होती है ना उसमें यूज करना होता है। जैसे कि आपको नीचे से कुछ लिफ्ट करना है, हाँ जी, आपके पेन हो ना हो जाए, तो वो सेफ्टी के लिए लिया जाता है बेल्ट। ऐसे इसमें जरूरत नहीं है, अगर ले भी लेते हैं तो अच्छा है, ना लेते हैं तो भी अच्छा है। संदीप जी, ये एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ एक भ्रांति जुड़ गई है, एक मिसकंसेप्शन आ गया है कि इस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए, तो क्या ये बात सही है? नहीं, जितना मुंह उतनी बातें। ये तो लेग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसके बिना तो लेग्स बना ही नहीं सकते। जैसे लेग्स क्या है, हमारा एक तरह से पिलर है, आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली आप पूरी बॉडी अच्छी बना सकते हैं। अगर लेग्स ही वीक रही तो फिर क्या करेंगे, बताएं आप। बिल्कुल सही। तो जो बिगनर्स है क्या वो बिना वेट के इसको कर सकते हैं? जी हाँ, अगर बिगनर है तो शुरुआत तो अपना धीरे धीरे, जैसे फ्री स्क्वाट्स होती है, हाँ जो हमने पहले भी बताया था अपने पहले एपिसोड में जी। और जब थोड़ा लेवल आपका बढ़ जाता है तो आप इस तरीके से रॉड में वेट लेके कर सकते हैं इसे। इसके बॉडी पोस्चर के बारे में आप हमें समझाएं थोड़ा सा। बॉडी पोस्चर यही रखना होगा, लोअर बैक आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और धीरे धीरे नीचे बैठना है, फिर आपको ऊपर आना है, ऊपर आके ब्रीथ आउट करनी होती है। और एब्डोमेन हमारा थोड़ा सा बाहर की तरफ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नहीं। और लेग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आपको लेग्स, अगर अपनी लेग्स में मसल चाहिए, शेप चाहिए, तो इसके बिना तो कोई हो ही नहीं सकता जी। तो ये जरूर करें। तो इसके कितने रेपिटेशन हमें करने चाहिए? वही फंडा है इसका भी, अपना 3 से 4 सेट्स हों। हाँ, और रेपिटेशन अगर आपको ग्रोथ करनी, यानी लेग्स को ग्रोथ करनी है, तो 6 से 8 रेपिटेशन होंगे। और अगर लेग्स को शेप करनी, जैसे कई लोगों के फैट होता है, आपने देखा होगा जी जी, थाइस जो है वो स्टोन नहीं होती है, हाँ हाँ, तो वो 15 से 25 पे जा सकते हैं। हाँ जी, ये लेग्स जो होता है हमारा बड़ा मसल पार्ट होता है, ये लेग्स हो गया, बैक मसल हो गया, अगर आपको इसको शेप में करना है तो 25 रेपिटेशन, यानी 15 से 25 रेपिटेशन जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गर्ल्स भी इसको कर सकती हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि गर्ल्स भी इस एक्सरसाइज को कर सकती हैं। अगर आपकी थाइस, आपको वो टोन्ड अप थाइस चाहिए, वो ब्यूटीफुल थाइस चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास तो काफी लड़कियां आती हैं जो उनको शिकायत यही होती है कि हमारी लेग्स जो हैं शेप में नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये एक्सरसाइजेज उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है। अगर आप किसी ट्रेनर के अंडर ये एक्सरसाइज करते हैं और हमारा शो रेगुलर देखते हैं, तो आप वो मन चाही बॉडी जरूर पालेंगे जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। तो मन चाही बॉडी तो हम पालेंगे। हेमंत जी, मैं बहुत जल्दी आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी के पास टाइम नहीं है जिमिंग का तो वो क्या करे? अगर भाई टाइम नहीं तो सबसे कम से कम इतना तो कर ले कि सुबह मॉर्निंग वॉक करें, कम से कम हेल्दी डाइट ले लें। हेल्दी डाइट ले लें। अगर आप वॉक करते हैं ना सुबह सुबह, आपका अच्छा दिन तो गुजरेगा ही, तो आपकी थाइस भी मजबूत होगी और दिमाग भी खुला रहेगा और अच्छी हवा भी मिलेगी, तो कम से कम वॉक तो जरूर करें सुबह। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बताया और तमाम अहम खबरों पर चर्चा की। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आज इतना ही, लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया से आप हमसे
जुड़ सकते हैं, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं कि आज का दिन खेल के इतिहास में क्यों है इतना खास। और 1998 में दिग्गज पाक बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद 970 मिनट में 337 रन की मैराथन पारी खेल हार को टाल दिया। और अब हम एक नजर डालेंगे कि आज के दिन कौन कौन से मुकाबले हैं जो आप देख सकते हैं। खेल में क्या रहेगा खास, ईरानी कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2017 और हॉकी इंडिया लीग का पांचवें संस्करण 2017 में कलिंगा लांसर्स और रांची रेज के बीच आज मुकाबला होगा, जिसका आप प्रसारण देख सकते हैं। और विस्फोटक बल्लेबाज डिविलियर्स ने शतक के साथ की है अब वापसी, ये है एक बड़ी खबर आज की। तो सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आप ये लिंक्स देख सकते हैं, हमारे अपने सजेशन दे सकते हैं फेसबुक @दूरदर्शन स्पोर्ट्स और ट्विटर पर @DDSportsChannel और YouTube @दूरदर्शन स्पोर्ट्स, वहीं इंस्टा पर insta@DD.sports। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन टुडे स्पोर्ट्स कैफे, टिल वी सी यू टुमारो, इट्स गुड बाय फ्रॉम द एंटायर स्पोर्ट्स कैफे टीम, नमस्कार।